हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। आज हम चलेंगे ओकिनावा प्रेस प्रो की टेस्ट राइड पर और मैं आपको दूंगा प्रेस प्रो की टेस्ट राइड का फुल और फेयर रिव्यू। साथ ही में हम लोग बात करेंगे प्रेस प्रो की परफॉर्मेंस की, पावर की और पिकअप की, और ये भी जानेंगे कि इस गाड़ी की राइड क्वालिटी, सेटिंग पोस्चर और सस्पेंशन कैसे हैं। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इस गाड़ी का डिज़ाइन और लुक कैसा है। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि इस गाड़ी की बैटरी को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे डिसकनेक्ट कर सकते हैं और कैसे चार्ज करना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ओकिनावा प्रेस प्रो की टेस्ट राइड रिव्यू। दोस्तों मेरे चैनल ईवी मेनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मैं आप लोगों से एडवांस में माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मेरे इस वीडियो में वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, इसके लिए मुझे प्लीज माफ करें। दोस्तों अगर सबसे पहले मोटर की बात की जाए तो प्रेस प्रो में आपको मिलने वाली है 1000 वॉट की BLDC मोटर जो कि प्रेस और आई प्रेस में भी लगी हुई है। ये प्रेस प्रो का ग्राफिक्स, और अगर शॉक एब्जॉर्बर की बात की जाए तो इस गाड़ी में रेयर में आपको मिलते हैं ड्यूल शॉकर्स विद गेस स्टार्ट और फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में छोटा वाला और रेयर में आई प्रेस के जैसा ही है। इस गाड़ी का लुक और डिजाइन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल आई प्रेस के जैसा ही है, और फ्रंट में आपको मिलती है LED लाइट और DRL लाइट भी। इस गाड़ी का स्पीडोमीटर भी बिल्कुल आपका आईप्रेस के जैसा है, और आपको 3 स्पीड मोड मिलते हैं, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिकल और टर्बोचार्ज। और गाड़ी की सेटिंग भी बिल्कुल आईप्रेस के जैसी है क्योंकि इस गाड़ी को प्लेटफॉर्म आईप्रेस के ही प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, तो ये गाड़ी बिल्कुल आईप्रेस के जैसी है। प्रेस प्रो में फुटरेस्ट की हाइट कम होने के कारण इस गाड़ी का सेटिंग पोस्चर ओकिनावा प्रेस के कंपेरिजन में थोड़ा सा कंफर्टेबल है, और आपकी हाइट अगर ठीक ठाक है तो भी आप आसानी से इस गाड़ी में अकोमोडेट हो जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस गाड़ी में आपको बैटरी को कैसे डिस्कनेक्ट करना है। सबसे पहले आपको MCB को बंद करना है, उसके बाद ये आपको एक टॉप कवर दिख रहा है। इस टॉप कवर को खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें बैटरी लगी हुई है और साथ ही में कनेक्टर लगा हुआ है। बैटरी को निकालने के लिए आपको इस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करना है। इस गाड़ी में आपको कोई भी स्टोरेज स्पेस नहीं मिलने वाला है क्योंकि सीट के नीचे आपकी बैटरी ने पूरी जगह ले ली है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कवर खोलने के बाद मैंने इसके कनेक्टर को डिसकनेक्ट करके कर दिया है, और इस तरह से आप बैटरी को उठा सकते हैं। हालांकि उठाने पर लगता है कि इस गाड़ी की बैटरी का वजन तकरीबन 8 से 10 किलो के आसपास है। चार्ज करने के बाद आप बैटरी को वापस से गाड़ी में लगा दीजिए, और इस तरह से आप एक हाथ से भी इस गाड़ी के कनेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका कनेक्टर लगाना काफी ईजी है, और इसके बाद आप इसका ये टॉप कवर लगाकर लॉक कर दीजिए। दोस्तों अब हम चलते हैं ओकिनावा प्रेस प्रो की टेस्ट राइड पर। हालांकि क्योंकि ये गाड़ी डीलर को अभी अभी मिली है, इसलिए इस गाड़ी का स्पीडोमीटर चालू नहीं है और ऊपर की पैकिंग भी अनपैक नहीं हुई है, पर मैंने गूगल मैप में लिंक करके इस गाड़ी का स्पीड को जरूर मेजर किया है। वजन कम होने के कारण इस गाड़ी की हैंडलिंग और पिकअप काफ़ी अच्छा है, और ये गाड़ी थोड़ा सा एक्सलेशन देने पर भी अच्छी स्पीड कैच कर लेती है, और आप इस गाड़ी को एक हाथ छोड़कर भी आसानी से चला सकते हैं। क्योंकि इस गाड़ी का वजन कम है इसलिए आपको फ्रंट हैंडल में ज़्यादा जर्क या फिर हैवीनेस की फीलिंग नहीं आती जो कि ओकिनावा प्रेस में होती है। मैंने इस गाड़ी को डबल में आसानी से 52 की स्पीड में कैच कर लिया था, पर ट्रैफिक होने के कारण इसके ऊपर में गाड़ी को चला नहीं पाया। हालांकि डीलर का कहना है कि गाड़ी आराम से 55 की स्पीड पर चल जाती है डबल में, और सिंगल में आप इस गाड़ी को आराम से 60 से 65 की स्पीड तक टच कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इस गाड़ी की टॉप स्पीड 65 से 70 की है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि ओकिनावा प्रेस प्रो की लिथियम आयन बैटरी कैसे चार्ज हो रही है। ये है ओकिनावा प्रेस प्रो का चार्जर जिसमें कि 3 LED इंडिकेशन है, और ये ओकिनावा प्रेस प्रो की लिथियम आयन बैटरी जो कि 2 kW की यानी कि 72 वोल्ट और 29 Ah, ये आपको 5-6 Ampere के सॉकेट में कनेक्ट करना है। ये दोस्तों अगर सबसे पहले ओकिनावा प्रेस प्रो के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो चूंकि इस गाड़ी में 1000 वॉट की BLDC मोटर लगी है और लिथियम आयन बैटरी का वजन कम है, इसलिए गाड़ी काफ़ी इजीली डबल में भी 52 से 55 की स्पीड कैच कर लेती है, जो मैंने कैच भी की थी, और सिंगल में आप आसानी से 65 की स्पीड टच कर सकते हैं। इस गाड़ी की अगर हैंडलिंग की बात करूं तो क्योंकि फ्रंट में बैटरी का वजन नहीं है इसलिए हैंडल पर आपको ज़्यादा जर्क और हैवीनेस फील नहीं होती जो कि ओकिनावा प्रेस में आपको होती है।
इसलिए इस गाड़ी की हैंडलिंग भी काफी इजी है और आपको अब मोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है और आप गाड़ी को आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस गाड़ी में लगे दोनों ब्रेक भी काफी इफेक्टिव है और गाड़ी को आसानी से रोक देते हैं हाई स्पीड में भी। अगर सीटिंग पोस्चर की बात करूं तो चूंकि अभी भी आपको फुट फुट फुटरेस्ट की हाइट थोड़ी ज्यादा मिलती है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आपको बैठने में आ सकती है अगर आपकी हाइट ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी का सीटिंग पोस्चर आपकी ओकिनावा प्रेस के सीटिंग पोस्चर के कंपेरिजन में काफी ठीक ठाक है और अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच से 5-10 के बीच में है तो आप आसानी से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। हालांकि 6 इंच से प्लस हाइट वालों को इस गाड़ी में बैठने में अभी भी दिक्कत होगी। शॉक एब्जॉर्वर, अगर रेयर शॉक एब्जॉर्वर की बात करूं तो ठीक ठाक है, लेकिन फ्रंट शॉक एब्जॉर्वर अभी भी इस गाड़ी का हार्ड है और आपको अगर गड्ढे वड्ढे में गाड़ी को कुदाते हैं तो आपको हैवी जर्क फील होता है। इस गाड़ी का शॉक एब्जॉर्वर मैंने काफी दम लगा के भी पुश करने की कोशिश की पर वो थोड़ा ही पुश हो पाया, यानी कि यहाँ पर काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर बैटरी की बात करूं तो इस गाड़ी की बैटरी का वजन 8 से 10 किलो के आसपास मुझे लगा। हालांकि इस गाड़ी की बैटरी को लगाना और वापस से निकालना काफी ईजी है और आप कनेक्टर को काफी आसानी से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आपको गाड़ी में डायरेक्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है। अगर प्राइसिंग के फ्रंट में मैं बात करूं तो जो डीलर के हिसाब से ये गाड़ी 70 से लेकर 71,000 के प्राइस पर एक शोरूम प्राइस पर अवेलेबल है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट्स होने के कारण हो सकता है गाड़ी आपको 80 से लेकर 83 के रेट में अवेलेबल हो जाएगी ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूं तो। अगर गाड़ी के ड्रॉबैक की बात करूं तो मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस गाड़ी में अभी भी सस्पेंशन लगा है जो कि काफी हार्ड है, जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दूसरा, सीटिंग पोस्चर को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाया जा सकता था और इसके फुटरेस्ट की हाइट थोड़ी सी और कम की जा सकती थी ताकि बैठने वाले और हाई जिन लोगों की हाइट ज्यादा है उनको बैठने में काफी ईजी हो। प्राइस मुझे इस गाड़ी का ठीक ठाक लगा। ओवरऑल अगर मैं बाकी स्कूटर से कंपेयर करूँ तो ये गाड़ी अभी भी वर्थ टू बाय है क्योंकि मैं ओकिनावा प्रेस को काफी टाइम से चला रहा हूँ और ये गाड़ी थोड़ी बहुत समस्या इस गाड़ी में है लेकिन गाड़ी फिर भी रिजिड है क्योंकि अभी मैंने बरसात के दिनों में इस गाड़ी को काफी गड्ढों में भी कुदाया है, काफी रफ चलाया और गाड़ी को पानी में भी चलाया और मुझे अभी तक किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मैं तीनों प्रेस प्रो की गाड़ियों को कंपेयर करूँ, ओकिनावा प्रेस, ओकिनावा आई प्रेस और प्रेस प्रो को, तो मेरे हिसाब से आपको प्रेस प्रो लेना ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि गाड़ी ओवरऑल अच्छी है और प्राइस भी इफेक्टिव है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपनी पुअर वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी के लिए आप लोगों से माफी चाहूंगा क्योंकि मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दूसरा, मेरे इस वीडियो को फिर भी देखने के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अगर आपको कुछ गलती लगे तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, मैं उसमें करेक्ट करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।